सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट टू। तो इस वीडियो में हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी की डेफिनेशन है इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मीन्स उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंट्री में कितने रुपए की चीज़ें बनी या सर्विस प्रोवाइड की गई उन सभी का टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जीडीपी रैंकिंग 6th है। और जीडीपी कैलकुलेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का काम होता है। तो एक कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो अगर हम एक कंट्री के तीनों भी सेक्टर्स की जीडीपी को ऐड कर दें तो हमें उस कंट्री की जीडीपी मिल जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में जीडीपी कैसे होती है। तो एक फार्मर है, वो एक इंसान को 10 केजी वीट्स 100 रुपीस में मार्केट में सेल कर देता है और वो इंसान उसकी रोटी बनाकर खा जाता है। तो ये 100 रुपीस प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। पर अगर वही फार्मर वो 10 केजी वीट एक बिजनेसमैन को 100 रुपीस में सेल करता है और वो बिजनेसमैन वो 10 केजी वीट्स के बिस्किट बनाता है और उसे मार्केट में 1000 रुपीस में सेल कर देता है तो ये 1000 रुपीस सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड होंगे और फार्मर के 100 रुपीस किसी भी सेक्टर में ऐड नहीं होंगे क्योंकि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। और इस एग्जांपल में फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट के पैकेट्स है तो हम सिर्फ उसी की वैल्यू ऐड करेंगे। तो अब हम इन सेक्टर्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था और सब लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ों पे डिपेंड थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंडस्ट्रीज आ गई और फिर मेन सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर बन गया। और ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर से ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी तो बाकी के बचे हुए लोग इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। और ये सब कुछ हुआ कुछ 200-300 ईयर्स पहले। और अब कुछ 30-40 ईयर्स में मेन सेक्टर थ्रेशरी सेक्टर बन गया है क्योंकि अब लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसे आ गए और बाकी के दो सेक्टर्स में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है और अभी काफी सारी सर्विसेज भी बढ़ चुकी है। इसीलिए अब लोग मूवीज देखने जाते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं और इंटरनेट का यूज भी बहुत बढ़ चुका है तो इसीलिए अब थ्रेशरी सेक्टर मेन सेक्टर बन चुका है। तो इंडिया में किस सेक्टर की कैसी सिचुएशन है ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।